नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना उत्तर कुमार धाकड़ स्वरा। दोस्तों, उत्तर कुमार कम बजट की हरियाणवी फिल्मों के एक ऐसे अभिनेता हैं जिनकी हर फिल्म को लेकर दर्शकों में उत्सुकता और उत्साह बना रहता है। उनकी आने वाली फिल्म अड़ियल को रिलीज़ होने में मात्र कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं। फिल्म का टीजर लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है और इस कहानी के जो सारे पात्र हैं वो आपको सब लगेंगे कि भी ये ज़्यादा अच्छा है, ये ज़्यादा अच्छा है, ये ज़्यादा अच्छा है, सब एक से बढ़कर एक पात्र हैं। लेकिन उनका यह नया टीजर कई सारे सवाल पैदा करता है। अड़ियल फिल्म के ट्रेलर में साफ देखा जा सकता है कि फिल्म में एक बार फिर नई उम्र का छोरा है जिसका नाम रामित है, और उत्तर कुमार टीजर के लास्ट में कुछ ही पलों के लिए नजर आते हैं, यानी कि उत्तर कुमार इस फिल्म में गेस्ट अपीयरेंस में है। गेस्ट अपीयरेंस यानी कि अतिथि भूमिका। स्क्रिप्ट तैयार करते वक्त उत्तर कुमार के दिमाग में कहीं ना कहीं इस साल की सबसे ज्यादा चर्चित बॉलीवुड मूवी पठान का वो सीन रहा होगा जब शाहरुख खान की फिल्म में अचानक सलमान खान की एंट्री होती है और सिनेमा हॉल दर्शकों की तालियों और सीटियों के शोर से गूंज जाते हैं। और ये फिल्म मैंने आपके कहने से बनाई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, अगर राजपाल फिल्म को छोड़ दे तो उत्तर कुमार एक लंबे समय से अपनी फिल्मों में खुद के बजाय दूसरों को ज्यादा मौका दे रहे हैं। उन्हें शायद लगता है कि एक अकेली जान, दर्शकों की अथाह डिमांड और काम का अनलिमिटेड बोझ वे कहां तक ढो सकेंगे। ऊपर से लेखन, डायरेक्टर, म्यूजिक कंपनियों के ऑफर, वे क्या क्या करें। शायद इसी के चलते वो कहीं ना कहीं अपने उत्तराधिकारी की तलाश में हैं, जिसका जीता जागता प्रमाण है उनकी पिछली फिल्म तगड़ा, जिसे उन्होंने अपने बेटे प्रभात कुमार को लेकर बनाया। और जिन लोगों ने तगड़ा फिल्म देखी है वे बता सकते हैं कि बिल्कुल दूसरी धाकड़ छोरा। मिलती जुलती कहानी, मिलते जुलते करेक्टर, यहाँ तक कि फिल्म के पोस्टर पर भी हीरो को धाकड़ छोरा वाली शर्ट में पेश किया गया। तो लगता है कि उत्तर कुमार का पूरा फोकस बेटे प्रभात पर है, और शायद यही वजह है कि अड़ियल फिल्म को उत्तर कुमार के मेन चैनल राजलक्ष्मी पर रिलीज न करके दूसरे चैनल मन्नो पर रिलीज किया जा रहा है। हो सकता है कि राजलक्ष्मी चैनल पर अब प्रभात कुमार की ही मूवी देखने को मिले। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में हमें लिखें। सहमत हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें।